हेलो दोस्तों। तो आज है 6 मार्च और कल 5 मार्च था। तो कल हमारा ना कनिष्ठ सहायक का पेपर था, तो मेरा भी था। मतलब सभी का ही, जितनों ने कनिष्ठ सहायक का पेपर दिया है, उम्मीद करते हैं सबका अच्छा हुआ होगा। तो मेरा भी ठीक ही हुआ है, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन इसमें ना मैं पहले दिखा देती हूँ कि मेरा मतलब पेपर था, मतलब अपना कन्फर्म करवा देती हूँ। तो ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, ये रहा मतलब पेपर, और ये रही OMR जो हमको मिलती है। तो मैंने मैंने आप सबको ना इसलिए अपना पेपर, एडमिट कार्ड वगैरह दिखाया दिखाया कि मतलब हर किसी को श्योर हो जाए कि हाँ भाई मैंने पेपर दिया था। तो सबसे बड़ी बात कि पेपर तो सबका ही हुआ, लेकिन हमारे मतलब जो हमारे रूम में हुआ वो क्या हुआ कि पता नहीं उसका मतलब वो मतलब सही है गलत है, कि जो मेरे आगे से मतलब जो स्टूडेंट था ना वो अपसेंट था। तो ये हुआ कि जो हमारे रूम में दो मैडम आई थी, जो जिनको कक्ष निरीक्षक बोलते हैं, तो दो थी। तो उन्होंने क्या करा, एक मैडम ने कि मेरे जो आगे थे अपसेंट था, तो उसकी जगह पे ना एक कॉपी के बजाय और मार्क शीट के बदले दो रख ली गलती से ना। तो फिर क्या हुआ, हमने तो मतलब और फिर हमको पीछे मतलब दे दी OMR शीट। तो जब बाद में जब लास्ट में एक कम पड़ी, तो फिर उन्होंने चेक करा, तो मतलब जो मेरे आगे से था स्टूडेंट जो अपसेंट था, तब देखा कि वहाँ पे दो कॉपी रखी हुई है। तो हम लोगों ने उनको बोला कि हमने तो मतलब रोल नंबर वगैरह भर लिए हैं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमेशा ऐसे हुआ है कि पेपर का सीरीज और जो OMR का सीरीज है वो सेम ही होता है। और लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब अलग अलग भी हो गया तो मीटिंग में मतलब क्लियर हो गया है, तो ऐसा मतलब कुछ भी नहीं होता है, ये है वह करके ऐसे उन्होंने वो बात टाल दी। तो हमने कहा नहीं मतलब ऐसा नहीं है। तो बाद में वो जो वहाँ पे मतलब जो अधिकारी होंगे उस स्कूल के जो मतलब हेड होंगे ना, तो उनको बुलाया गया। तो उन्होंने भी कहा कि अभी इस साल मतलब ऐसा नहीं है, सीरीज अलग अलग भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए मेरी ये है ना जो मेरा पेपर है, देखो सीरीज ये है, मेरा ये सीरीज है लास्ट में 7-1, और जो इसका है जो इसका है इसकी OMR की सीरीज, अच्छा इस वाले में जो OMR की सीरीज है ना, तो ये हमें स्टूडेंट कॉपी मिली है, कैंडिडेट कॉपी तो इसमें नहीं है। तो उस वो OMR सीरीज ना यहाँ पे रहती है, एक मतलब जो लाइन से रहती है उसमें सीरीज रहती है, तो इस पे तो नहीं आया हुआ है, लेकिन इसमें पेपर का सीरीज है 7, ये देखिए 7-1, ठीक है 7-1। तो लेकिन मेरा उसमें आ गया था 7-2। तो हमको तो मतलब गड़बड़ लग रही है, वैसे मतलब भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो कि सीरीज अलग अलग हो तो कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ऐसी मतलब गलती हो रखी है हमारे हिसाब से, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं तो उसमें मतलब दोनों की सीरीज एक हो। और हाँ एक और बताती हूँ, जो ये देखो इसमें OMR में इसमें लिखा हुआ है, मेरे द्वारा उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी के फोटो हस्ताक्षर, और मतलब जो प्रश्न पुस्तिका में अंकित सीरीज है, और जो उसी के अनुरूप उत्तर पुस्तिका में भी सीरीज मतलब एक जैसी है, मतलब ये कर दिया है, तो वहाँ पे साइन होते हैं उनके कक्ष निरीक्षक के। तो मतलब दोनों सीरीज क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने। और ये वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग है, आप लोग पेपर दे दीजिए तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। मतलब मैंने भी दिया है ठीक हो रखा है, वो तो रिजल्ट बताएगा, और बच्चे भी ऐसे ही हमारे रूम के, तो ऐसा कुछ ना हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो गड़बड़ हो रखी है, मतलब गलती हो गई उनसे। तो कमेंट्स करके मतलब बहुत सारे हमारी मेरी ये वीडियो देखेंगे, तो कमेंट्स करके मतलब मुझे बताना कि मतलब ये सही हुआ है, गलत हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि भाई डर तो रहती है, मतलब पेपर दो फिर गड़बड़ जाए तो मतलब सही नहीं रहता है। तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं आप मुझे ना आप सबके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए, तो मैंने इसलिए मतलब ये सब कुछ शेयर करा। तो जिसको भी कमेंट्स में सब कुछ मतलब अच्छे से जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें हमें।